तो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि लूसी अब हमारे बीच में नहीं रही है। तो लूसी के साथ क्या हुआ था और मैंने क्या क्या किया और आपके साथ भी ये ना हो इसके लिए आपको क्या करना है, तो ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर आपके पास भी पेट्स है, आप भी एक डॉग लवर हो या पेट लवर हो, तो ये वीडियो पूरा देखना। और आपके दोस्त भी अगर पेट्स को पालते होंगे तो उनको भी ये वीडियो शेयर करना। तो चलिए आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था लूसी के साथ, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरी वीडियोस पहले से देखते होंगे तो आपको पता ही होगा कि लूसी कुछ दिनों से बीमार थी, यानी वो वॉमिटिंग कर रही थी। शायद उसको 54 या 55 डेज हो गए थे प्रेगनेंसी को, तो उस दिन से वो अचानक वॉमिटिंग करना चालू कर दिया था उसने। उस दिन एक दो बार वॉमिटिंग की थी, तो मुझे लगा ऐसे ही ज़्यादा खाना खाने की वजह से ऐसा हो गया होगा। लेकिन मैंने उस दिन से 50 डेज जब क्रॉस हो गए थे उस दिन से उसका जो खाना है वो कम कर दिया था। मुझे पता था कि इसका पेट जो है वो बढ़ना चालू हो गया है, तो उसे खाना पचाने के लिए ज़्यादा ताकत लगेगी, इसलिए मैंने उसे पहले से ही 50 डेज के बाद से थोड़ा थोड़ा खाना कम कर दिया था। लेकिन पता नहीं जैसे उसने वॉमिटिंग चालू कर दी अचानक से 55 डेज के बाद से, तो उस दिन के बाद उसने खाना भी छोड़ दिया था। तो खाना छोड़ दिया, मैंने एक दो दिन वेट किया, मुझे लगा कि पेट उसका भारी हो गया है इसकी वजह से वो ऐसा कर रही है। तो एक दो दिन मैंने वेट किया और दूसरे या तीसरे दिन मैंने उसको हॉस्पिटल में जाकर उसका चेकअप किया, दिखाया, डॉक्टर को बताया। तो डॉक्टर ने भी चेक किया था गाइस, तो उन्होंने कुछ इंजेक्शन दिए थे वॉमिटिंग बंद होने के लिए और खाना खाने के लिए। तो फिर उसके दूसरे दिन मैंने वेट किया कि वो अभी खाना चालू कर देगी, तो उसने फिर भी नहीं खाया गाइस। तो मैं उसके अगले दिन फिर से उसे हॉस्पिटल लेके गया, फिर उसके बाद मैंने उसकी सोनोग्राफी कराई, मुझे लगा कि उसके पेट में गैस हो गई होगी। तो मैंने सोनोग्राफी करा के देख ली, तो डॉक्टर ने बोला कि कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, पपीज की मूवमेंट भी हो रही थी, पपीज भी जो है वो सही थे, ठीक थे। तो मैंने सोनोग्राफी करा के देख ली, फिर भी डॉक्टर ने बोला कि सब ठीक है। उसके बाद उसका जो चलना था वो थोड़ा कम हो गया था, उससे उठा भी नहीं जा रहा था गाइस। उसका एक तो पेट भी भारी हो गया था और उसने खाना नहीं खाया था दो तीन दिन से, तो उसने चलना भी बंद कर दिया था। मतलब उसके जब मन में आता था तभी वो थोड़ा सा उठकर, थोड़ा सा चलकर, थोड़ा इधर उधर आगे बैठ जाती थी। तो उसके लिए डॉक्टर ने उसको सलाइन भी लगाया, सलाइन लगाया और कुछ इंजेक्शन फिर से दिए ताकि वो खाना चालू किए। गाइस मुझे पता था कि प्रेगनेंसी में डॉग को कुछ एक्स्ट्रा टैबलेट्स या कुछ ऐसा नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो पपीज के लिए हानिकारक होता है, तो मुझे पता था इसलिए मैंने डॉक्टर से भी पूछा था। तो उन्होंने कहा कि इनसे कोई खतरा नहीं है इंजेक्शन से या सलाइन से, तो एक बार उन्होंने सलाइन भी लगाई थी। तो ये सब कुछ किया था गाइस, फिर भी वो उसने खाना बंद ही कर दिया था, मतलब कुछ नहीं खाती थी, चार पाँच दिन से कुछ नहीं खाया था गाइस। तो मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, कुछ भी देकर देखा, एक देकर देखा, चिकन देकर देखा, फिर भी कुछ नहीं खा रही थी। पेडिग्री मदर एंड पप स्टार्टर भी खिला कर देखा तो कुछ भी नहीं, वो खारी सूंघ कर उसे साइड कर देती थी, बस पानी पीना चालू था उसका। तो पानी पी रही थी इसलिए मैंने उसका डिहाइड्रेशन ना हो इसलिए उसके पानी में ORS जो होता है गाइस, डिहाइड्रेशन ना हो इसलिए, तो वो मैंने उसे डालकर हर रोज़ पिलाया था, इसलिए वो इतने दिनों तक थोड़ी बहुत ठीक। लेकिन क्या कह सकते हैं गाइस कि नसीब ही ख़राब है, तो क्या करेंगे आप। तो ये सब कुछ करके देख लिया, लेकिन लास्ट का जो 59 डे था गाइस, तो उस दिन का मैंने ब्लॉग डाला होगा चैनल पर, वो देख लेना, मिनी ब्लॉग है।
उस दिन क्या हुआ गाइस कि सुबह को मैंने क्या किया कि वो कुछ भी नहीं खा रही थी इतने दिनों से, तो मैंने सोचा कि आज उसको कुछ चिकन सूप बनाकर पिलाएंगे तो उससे क्या होगा कि थोड़ी बहुत एनर्जी आएगी। ऐसे भी वो पानी पी रही थी तो मैंने सोचा कि ये भी पानी ही है सूप, तो उसे पिलाएंगे तो थोड़ी बहुत धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। तो मैंने उस दिन चिकन सूप बनाकर भी उसे पिलाया, थोड़ा ही पिलाया, बस 10 ml पिलाया होगा, 5-10 ml। तो उसने तो पिया, मतलब खुद से तो नहीं पिया, मैंने उसके ऐसे मुंह में थोड़ा सा डाल दिया था, तो थोड़ा ही डाला था। तो वैसे उसने थोड़ी देर कुछ नहीं किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद, 1-1.5 घंटे के बाद उसने फिर से वॉमिटिंग कर दी गाइस। और वो जो वॉमिटिंग थी तो थोड़ी बहुत ग्रीन कलर में आना चालू हो गई थी उस दिन के बाद से, और ग्रीन कलर की आ रही थी उस दिन। तो फिर मैंने बंद कर दिया, उसे नहीं दिया कुछ भी, चिकन सूप भी नहीं दिया, बस पानी दिया हुआ इसमें लाकर पीने के लिए। तो बस वो उसने पानी पिया और फिर से थोड़ी देर के बाद उसने फिर से वॉमिटिंग कर दी गाइस, ग्रीन कलर की। अगर आप यहाँ पर, मैं मेरे पास कुछ वीडियो फोटो होगी तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा, आप देख लेना किस तरह की थी। तो उस तरह की थी, तो उसने 5-6 दिनों से पॉटी भी नहीं की थी गाइस, बस सुसु कर रही थी लेकिन पॉटी नहीं की थी 5 दिनों से। तो ये भी एक कारण था, तो खाना नहीं खा रही थी इसकी वजह से उसने वो पॉटी नहीं की होगी, ऐसा मुझे भी लग रहा था। डॉक्टर ने भी सब ठीक है बोला, 2 बार दिखाया मैंने उनको, रिस्क ना हो इसलिए, फिर भी डॉक्टर ने सब ठीक है बोला, कुछ नहीं बताया क्या हुआ है क्या नहीं। तो मैंने, मुझसे जो हुआ वो सब किया गाइस, लेकिन फिर भी जो 59 डे था उसका, जिस दिन उसकी डेथ हो गई, उस दिन क्या हुआ गाइस कि मेरी जो दूसरी एक फीमेल है जर्मन शेपर्ड, उसने भी अचानक से दो पैर से क्या हुआ कि डिगिंग करना चालू कर दिया और हफना चालू कर दिया। उससे मुझे पता चल गया कि इसकी आज डिलीवरी हो सकती है, आज या कल। तो मैंने उसका भी बंदोबस्त कर दिया था उस दिन, और अचानक से उसने 7 बजे से डिलीवरी चालू कर दी। तो 7 बजे उसने, जर्मन शेपर्ड ने एक पपी डिलीवर कर दिया था 7 बजे के टाइम पर, और दूसरा पपी आने वाला था। तो मैं, हम उसका वेट कर रहे थे, तो 8 बजे तक वेट किया, और 8 बजे अचानक क्या हुआ गाइस कि जो लैब्राडोर है फीमेल मेरी लूसी, जिसकी डेथ हुई, तो उसने अचानक से ऐसे कि वॉमिटिंग करना जैसे करते हैं वैसे करना चालू किया, और अचानक से वैसे करते करते ही अचानक से वो ऐसे तो उसने वॉमिटिंग करने जैसा ऐसा मुंह खोल दिया, और अचानक से उसके पैर भी ऐसे खड़े होने ऐसे होने चालू हो गए, पैर भी थर थर काँपना चालू हो गए गाइस, पैर और मुंह ऐसा आकर खोल के रख दिया था। और अचानक से उसने अपनी जीभ जो है वो ऐसे साइड में कर दी, और अचानक से ऐसे गिर गई गाइस। तो वहीं पर उसकी डेथ हो गई। मैंने थोड़ा बहुत उसके सीने को ऐसे दबाकर कर कर के देखा कुछ, तो फिर भी कुछ नहीं हुआ गाइस, वहीं पर उसकी डेथ हो गई। फिर मैंने डॉक्टर को कॉल किया, रात के 8:30 बज गए थे, तो हॉस्पिटल तो चालू नहीं था, मेरे इस शहर में हॉस्पिटल नहीं है, एक ही है गवर्नमेंट का, तो वो भी बंद हो जाता है तब तक। तो मेरे पास 1-2 डॉक्टर के नंबर थे, तो मैंने एक को कॉल किया, क्या कुछ हो सकता है, तो उसने बोला कि कुछ भी नहीं हो सकता अभी। तो मैंने बोला कि अभी क्या पपीस की डिलीवरी हो सकती है, या सर्जरी करके पपीस को भी निकाला जा सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट उसको 60 डेज कंप्लीट होने वाले थे, ऐसे भी पपीस की डिलीवरी होती थी 1-2 दिन में। तो उसने बोला कि नहीं हो सकता, क्योंकि पपीस भी अगर फीमेल मर जाती है तो पपीस भी अंदर मर जाते हैं, ऐसा उसने बोला मुझे। तो थोड़ी देर बात करने के बाद, तो इधर एक फीमेल की डिलीवरी हो रही थी और इधर एक की डेथ हो गई गाइस। तो मुझे ये भी करना था, अभी डिलीवरी भी करनी थी इधर, उसे तो छोड़ नहीं सकता था मैं। तो थोड़ी देर के लिए लूसी को वैसा ही रख दिया, इधर डिलीवरी हो जाने के बाद फिर मैंने लूसी का अंतिम संस्कार कर दिया गाइस। तो गाइस, बताने की बात जो है कि आपको क्या करना है अभी, अगर आपकी फीमेल के साथ भी ऐसा कुछ हो तो आपको क्या करना है, इस समय ये मैं आपको बताऊंगा।
तो सबसे पहले तो गाइस, आपको अगर आपके पास डॉग्स है या कोई भी पेट हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो किसी भी अच्छा सा आपके आजू बाजू जो हॉस्पिटल है पेट्स का, एनिमल्स का, उधर जाकर देखना है। अगर उधर कुछ लोग आए होंगे अपने पेट्स को लेकर चेकअप के लिए, तो उनसे पूछना है कि ये यहाँ का हॉस्पिटल जो है अच्छा है, यहाँ के डॉक्टर अच्छे हैं। सबसे पहले तो ये चेक करना है आपको कि वहाँ के डॉक्टर्स जो है वो अच्छे होने चाहिए गाइस। अभी जैसे मेरे डॉक्टर थे, वो उनको कुछ भी मालूम नहीं था। अभी मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा है गाइस। उन्होंने कुछ भी मुझे बोला कि सब ठीक है, ऐसा है वैसा है बोला, 2 बार लेके गए फिर भी सब ठीक है ऐसा बोला मुझे। तो आपको ऐसी गलती मत नहीं करनी है। आपको अच्छे से अच्छे डॉक्टर को देखना है, कौन है, उनका नंबर आपके पास फ़ोन में होना चाहिए सबसे पहले तो गाइस। इमरजेंसी के लिए 1, 2, 3 डॉक्टर के जितने हो सके उतने नज़दीक के डॉक्टरों के नंबर आपके पास होने चाहिए, बेड के नंबर होने चाहिए इमरजेंसी के लिए, अगर कुछ भी हो जाता है आपके डॉक्टर के लिए। तो जैसे मेरे डॉक्टर में जो लक्षण दिखाई दिए थे कि उसने खाना बंद कर दिया था अचानक से, और पॉटी करना भी बंद कर दिया था, वॉमिटिंग कर रही थी और ग्रीन कलर की वॉमिटिंग उसके लास्ट के दिनों में आ रही थी, तो ऐसा कुछ लक्षण दिख रहा होगा आपके पेट में, अगर कुछ भी हो रहा होगा तो 1 दिन से ज़्यादा आप वेट ना करें गाइस। 1 दिन से ज़्यादा कोई भी हो वेट ना करें, कुछ भी हो, छोटा सा छोटा भी प्रॉब्लम हो, लेकिन 1 दिन से ज़्यादा आप अपने पेट के साथ वेट नहीं करना है। आपको दूसरे ही दिन आपको उस अच्छे से जो डॉक्टर है हॉस्पिटल है वहाँ पर जाकर दिखाना है अपने पेट को, और जो भी हो सके आपको करना होगा, तभी आपका पेट जो है गाइस बच पाएगा, नहीं तो भगवान की मर्जी है गाइस, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा फिर। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको अच्छे से अच्छा डॉक्टर के नंबर अपने फ़ोन में पहले तो रखने हैं, और इमरजेंसी में आपको कॉल करना है और बुलाना है। तो ये आप अगर सावधानियां बरतोगे तभी आपका पेट जो है बच पाएगा। अभी मेरे साथ तो कुछ 5-6 महीनों में 2 हादसे हुए हैं। सबसे पहले एक मेरी जर्मन शेपर्ड भी थी, फीमेल थी 8-9 महीने की, उसको अचानक से पता नहीं कैसे पारवो वायरस हो गया। मैं उसे बाहर भी नहीं घुमाने ले जाता था, लेकिन फिर भी उसको पारवो वायरस जो है वो बीमारी हुई। मैंने फिर भी उसको भी डॉक्टर को दिखाया, 2-3 बार दिखाया, सलाइन लगाया, सब कुछ करके देख लिया, फिर भी वो भी नहीं बच पाया, और 5-6 महीनों के बाद फिर से ऐसा हो गया गाइस। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, अच्छे से अच्छा डॉक्टर आपको देख कर रखना है गाइस, और उनके नंबर इमरजेंसी में रखने हैं, और कुछ भी लक्षण दिखाई दे 1 दिन से ज़्यादा आपको वेट नहीं करना है, दूसरे दिन ही आपको उसे डॉक्टर को वेट को दिखाना है, और जो भी सलाह वो देते हैं, जो भी मेडिसिन्स देते हैं उसको फॉलो करना है। बस बस यही आपको बताना था इस वीडियो में। मेरा ये वीडियो बनाने का मन नहीं था गाइस, क्योंकि कल परसों ही ये हादसा हुआ है, तो फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो वीडियो पूरा देखा होगा, तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को अपने जिन जिन दोस्तों के पास, फ्रेंड्स के पास जो भी पेट लवर है उनको ये वीडियो शेयर करना है, और आपको भी मैंने जो भी फॉलो करने के लिए कहा है वो फॉलो करना है, तभी आपके पेट के साथ कुछ नहीं होगा गाइस। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 2 बार हुआ है मेरे साथ, इसलिए मैं ये वीडियो बनाना पड़ा है मुझे। तो बस मुझे यही कहना था वीडियो में। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, और लूसी के जो मैंने 4-6 वीक तक ही वीडियोस अपलोड किए थे प्रेगनेंसी के, तो कंफर्म प्रेग्नेंट तो थी लेकिन ऐसा हो गया, लेकिन उसके आगे की भी प्रेगनेंसी के आगे की वीक की भी मेरे पास वीडियो है, तो मैं वो भी इस चैनल पर डालूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।